नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर इंदौर में महिला साहित्य समागम में भाग लेने के लिए आई हैं। अचला नागर जी, अचला नागर जी देश की जानी मानी लेखिका हैं। आपके कई उपन्यासों पर फिल्म बन चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सबसे लोकप्रिय लेखक अमृतलाल जी नागर की आप बेटी हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप इंदौर आई हैं इस समागम में भाग लेने के लिए, जिसका प्रायोजन घमासान डॉट कॉम है। हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले अचला जी से कि इंदौर में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी जो भी सहयोगी है सबका नमस्कार करती हूँ और इस कार्यक्रम पर जहाँ तक आपका प्रश्न है वो बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर दूर से जो महिला लेखिकाएँ हैं वो आई और नवोदित भी हैं, उनमें आप लोगों ने बुलाया उनको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो लड़कियों को पता भी नहीं रहता कहाँ है, किसी को फेसबुक से बुलाया होगा आपने कहीं से, तो कितना उनको उत्साह मिला होगा। तो अच्छा लगा इस बहाने कि एक नया मंच मिला उनको, खुशियाँ मिली, उत्साह बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। आपकी कई उपन्यास आए हैं, कई कहानियाँ आपकी चर्चित हुई हैं, तो आप अपने लेखन के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, मैं इसीलिए बारे में मैं विभिन्न माध्यमों के लिए बहुत काम जब के लगातार किया एंड फिल्म इज माय प्रोफेशन। कुछ नहीं, मेरी कुछ कहानियों पर नहीं है, वो अलग है। मैं ये बातें मुझे कल बोलनी थी और शायद कल ही कहूँगी। मैं एक्चुअली मैं साहित्य के महासागर में जन्म हुआ मेरा और साहित्य को पी कर, साहित्य को देख कर मैं बड़ी हुई। बाबूजी और बाबूजी के साथ कभी पंथी जी बैठे हों, मामा कह रहे हैं, बच्चन जी हैं, ताऊ जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी, कितने नाम, महादेव बुआ जी, शिवानी बुआ जी, इस तरह से हम बड़े हुए। जो आप इतिहास में जिन नामों को पढ़ा है उनकी गोद में खेल के बड़ी हुई मैं, तो वो एक फिजा में जो कुछ मैंने सूंघा, हालांकि मैं अपने पिता के पास नहीं रह पाई, 6 वर्ष में उनसे अलग हुई, तो बस अलग ही हो गई, जाना आना होता रहा। शर्माती थी कि मेरा खाते भी देखती थी कि पता नहीं झिझक की वजह से खाए, ऐसा होता, ये तकलीफ रही मुझे। लेकिन तो जो कुछ मिला वो, जो जिसे कहते हैं कि जन्मजात एक पिता के गुण होते हैं या फ्लेवर, वो अलग आई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैंने बाबू जी के उसमें निर्देशन में या उसमें कभी कुछ कहा हो, लिखा हो। तो हुआ क्या कि बचपन में ही यात्रा छोटी सी आप जल्दी बताऊंगी, तो घर में पत्रिकाएं बच्चों की भी आती थी, लल्ला बाल सखा इलाहाबाद से, तो पता देखा, मैं बहुत वाचाल थी और बहुत पिटाई होती थी मेरी, हालांकि बाबूजी मुझे अचल कुमारी कहते थे, लेकिन माँ बहुत शरारती बहुत थी। तो पता देखा, कहानी लिखी, डाला है, छप गई, इस तरह बचपन में अकाउंट तो खोल दिया था लिखने का। उसके बाद आगे बढ़े, फिर मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं 6 साल से लोगों के नानी के आगरा में आई, वहीं रही और वह आगरा से बहुत प्रेम है। मेरा नवीनतम उपन्यास आगरा गोकुल परा पर ही लिखा हुआ है पूरा। तो वहाँ पर क्या था कि वो गतिविधियाँ पढ़ने की बड़ी नागरी प्रचारणी सभा, जिसे बाबू श्याम सुंदर दास ने आगरा में भी एक शाखा थी, वहाँ 10 वर्ष से क्या उसे पढ़ना शुरू किया जब, तो अभी मुझे इतना भावुक हो गई मैं कि अपनी पुस्तक का लोकार्पण वही नागरी प्रचारणी सभा में किया और 5-6 पुस्तकें अपनी देकर यहाँ में आया करती थी बचपन में। तो वहाँ से वो मिली पढ़ने की, फिर कॉलेज में उस समय एक साथ मेरी बहुत एक्टिविटीज चलती थी, उस समय लड़कियाँ मंच पर नहीं आती थी, लेकिन मैं आगरा कॉलेज में पढ़ती थी और शायद भाई मेरे मंच पर लाए, फिर आगरा इप्टा वालों ने बुला लिया, तो इप्टा के साथ काम करती रही मैं। और विवाह बहुत जल्दी हो गया, जैसे हो जाता था पहले 17-17.5 में, तो जो मेरा जो MBBS करने का सपना साइंस स्टूडेंट थी वो रह गया। तो फिर 10 मथुरा में हुआ, वो मेरा बहुत बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी की बिजनेस लोग, तो वो लोग नहीं, कोई इसी तरह की स्कोप लग नहीं रहा था, मुझे लगा अब सब समाप्त हो गया, सब कुछ बंद,
लेकिन जो होना आता है तो होता है जी। तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम तो ये किया कि मैं डॉक्टरेट तो लगाऊंगी, तो मैंने एमए भी किया, एमए किया, फिर पीएचडी की जी। और पीएचडी के साथ ही साथ फिर मैं आकाशवाणी से आ गए मेरे पास कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उस स्वर परीक्षण में कहा भैया मुझे घर में तूफान आ जाएगा, तो कैसी भी हालात हुए मैं आकाशवाणी उसको मैं अपना, उसके साथ में धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान कादम ये अपनी कादम्बरी सारिका इन सब में लिखी रही थी। और लेकिन मैं एक बात कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई ना कोई गुरु तो अब होगा ना, मैं रेडियो को अपना गुरु मानती हूँ। रेडियो में क्या होता था कि एक तो आपको अनुशासन, क्योंकि 6 बजे आपको वंदे मातरम बोलना है तो बोलना है चाहे तूफान में। एक बार इतनी बाढ़ आ गई थी कि जब मैं पहुंचने के लिए मेरी नाव खड़ी हुई थी, कहाँ हमें घबरा के क्या हुआ, बोले ड्यूटी पर जाइए, तो वो बड़ा अच्छा लगा। एक अनुशासन पूरा जो होता है पल पल, तो मैं उससे ज़्यादा मुझे बहुत आनंद आता। हालांकि उस समय मैं उद्घोषिका थी, वहाँ विविध भारती में आने पर बनी, लेकिन मैं बहुत कर्नाटक डिपार्टमेंट भी देख रही हूँ, ऑडिशन भी ले रही हूँ, लिख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, तो ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जो आप काम करते हैं। तो फिर उसी बीच पीएचडी भी हो गई है। बाबू जी कहने लगे बेटा तू अब प्रोफेसर बन जा कहीं। मैं कह नहीं बाबू जी प्रोफेसर नहीं बनूँगी मैं, क्यों? मैं इनका प्रोफेसर बन जाऊँगी तो एक बार सूर तुलसी पर नोट्स बना के आजीवन वो पढ़ाऊँगी, मुझे रोज़ कुछ नया करना है। और ऐसे ऐसे डेयरिंग काम करती थी मैं कि सरेंडर किया डाकुओं ने मैनपुरी, तो मैनपुरी पहुंच जाती थी, आगरा के गुड़, मैंने एक खुद एक प्रोग्राम शुरू किया जनपद दर्पण, तो उसमें बड़े डिफरेंट प्रोग्राम जैसे कि कोठे वालियों पर प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने ले लिया, तो ये सब वहाँ वो गुरु है मेरा, तो वहाँ से कर नहीं। तो एकदम फिर क्या हुआ, लिख रही थी छप रही थी, तो मैं मुंबई आती थी, वहाँ बाबू जी जिस घर, बाबू जी मैंने फिल्में लिखी बहुत सफल फिल्में, लेकिन लिखना नहीं चाहते थे, मजबूरी में गए थे। 7 वर्ष रहे, 18 फिल्में लिखी, 14 सुपरहिट फिल्में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पैसे के लिए कठिन समय में आया हूँ, मुझे साहित्यकार ही बनना है, और 12 साल से कहते थे वो। और फिर वो तो उस समय फिर वो लौट आए थे 48 में, तो मैं जो थी वो उसी घर में मेरे चाचा जी जो कि सिनेमाटोग्राफर थे उनके भी निधन हो गया, तो वहाँ जाती रहती थी, पता नहीं क्यों बड़ा साल में एक आध चक्कर। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में भारती जी थी, तो भाई माधुरी एक पत्रिका थी, तो माधुरी में तो विनोद तिवारी जी अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि अश्ला जी आप फिल्मी कहानी लिखी है। मैंने कहा फिल्मी कहानी तो मुझे आती नहीं लिखनी, दूसरी बात आप क्या करेंगे? बोले नहीं हमने एक कॉलम शुरू किया साहित्य मंथन, और उसमें हम फिल्मी कोई ऐसी कहानी छापते हैं अगर किसी को पसंद आ जाए। तो मैंने मैंने लिखी एक, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं, मैं कैसे लिखते हैं, बोले अरे कुछ नहीं लिखते, एक तो इंटरवल पर एक ज़रा धमाका होना चाहिए, फिर क्लाइमेक्स में। अब मैं ज़िद्दी बहुत हूँ, मैं अगर यहाँ तक आई हूँ कि अब ये करना है तो करना है, चाहे उल्टी लटक जाऊँ, पर मैं करती हूँ, लिख रही फिल्मी कहानी फिल्मी कहानी। तो कुछ मुझे एक छोटी सी न्यूज़ मायापुरी में 3-4 लाइनों की मिली जीना तमाना संजय खान के बारे में कि ऐसे कब निकाह हो गया था छुप कर, फिर कब हो गया तलाक, फिर कब हला लग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर लगा कुछ ट्विस्ट है इसमें। तो आकाशवाणी में हमारे एक तबला वादक थे बापू खान साहब, उनसे समझा मैंने, ये तो भैया बढ़िया बात है, इंटरेस्टिंग, तो मैंने लिखी तोहफा, तोहफा नाम से कहानी लिखी, वो छपी तो बहुत बाद में, उसके पहले ही मेरा एक चक्कर लगा, पापा ने ले ली, मतलब पापा आदरणीय भैया चोपड़ा जी, उसके लिए उस हाउस के लिए मैं लगातार घर की मेंबर बन गई। तो उन्होंने कहा मैं इंसाफ का तराजू जैसे ही ख़त्म करूँगा मैं इसे बनाऊँगा। वो हुआ भी तो बड़ी मुश्किल से, मथुरा से ट्रांसफ़र नहीं दें, वो दूध देने वाली गाय को कुछ होता नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के फिर मैं यहाँ सीखा, फिल्म राइटिंग सीखी। मैंने कहा पापा कैसे लिखूँ? बोले कुछ मत टेंशन लो, बस तुम अपने कैरेक्टर्स को विजुलाइज करना शुरू करो, देखो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस अंदाज में बात। तो वो सब करते करते हमारी मतलब 5 महीने में अभी राही साहब थी, उनको फाइनली डॉक्टर राही मासूम रजा, उनको सुनाया पापा ने, उन्होंने पसंद किया, ओके किया, वो तो निकाह नाम से जी पहली फिल्म आई, और उसमें मेरा स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग सभी कुछ था, लेकिन उसमें जो कि मुझे पहली फिल्म में
फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था डायलॉग्स का जी। तो उसके कारण फिर बहुत से लोग, फिर मुझे, मैं 3 साल तो मैं रेडियो से ही छोड़ा ही नहीं। मैं कहा छोड़ दूंगी तो पता नहीं क्या होगा, क्या सी हो, कैसे सर्वाइव करूंगी मैं, क्या नहीं। फिर फाइनली मैंने कहा मैं कोई ट्रांसफर लेकर थोड़ी आई थी काम करने, पड़ी रहूंगी यहीं पर। फिर हिम्मत करके रिजाइन कर दिया जी। बहुत समझाया चोपड़ा जी ने, मत कर अभी तेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा पापा मैं दोनों काम नहीं कर पा रही, देखा जाएगा देखा जाएगा। जो बाद में तो बहुत बड़ी रिस्क ली मैंने। और फिर बाद में तो ये है कि जो छोड़ने के बाद दूसरी फिल्म आई जो बहुत ही महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हुई, आखिर क्यों, स्मिता पाटिल राजेश खन्ना की। तो वो जी ओम प्रकाश जी ने, ऋतिक के नाना जी हैं, उन्होंने बनाई। और स्मिता मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त के रूप में घर मिली, कम समय के लिए मिली लेकिन बहुत अच्छी मित्र थी मिली। उसके बाद तो फिर ये अपने आप ही जो मुझे मिलता था, जैसे कि डायलॉग्स बहुत मिले, क्योंकि डायलॉग में मुझे अवार्ड मिला था। तो ये जो श्रीदेवी की 2-3 फिल्म, नगीना, निगाहें, और उस फिर अमीरी गरीबी, मल्टी, ईश्वर, अनिल कपूर की, माधुरी की सर, मतलब याद नहीं है नाम, बहुतों के नाम भी नहीं आती, पर छोटी बड़ी मुझे याद है, करीब 35 फिल्म थी। तो उसके साथ ही साथ मैं ये भी करती थी, दूरदर्शन शुरू हो गया था, उसके सीरियल धारावाहिक आते थे, वो भी लिख रही थी। मुझे पूछा बल्कि आप छोटे पर्दे के लिए लिखेंगी, मगर छोटा पर्दा बड़ा पर्दा कुछ नहीं होता, काम मैं अपनी डिग्निटी से नीचे का कोई नहीं लिखूंगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए काम, मैं बिल्कुल काम करूंगी। तो वो भी रास्ता मैंने बंद नहीं होने दिया, तो बहुत काम किया मैंने जी, जी। फिर आखिर में ये एक सीरियल चल रहा था साथिया, 1500 एपिसोड लिख चुकी थी मैं उसके, 5 साल तक लिखा। फिर बाबू जी के जो शताब्दी वर्जिश में अभी बात हुई जिसकी, तो वो आने को हो गया, तो अब मुझे संभालने वाला, मतलब मुझे कई बुलावे आते थे, लिखना था करना, तो मैंने उसे बिल्कुल छोड़ दिया, उसमें लग गई, उस जगह जगह जाना आना। बाबू जी कहते थे कि तू लिखती है तो कुछ उपन्यास लिख, अब तेरी कलम पक गई है, तो नहीं लिख पाई थी। तो फिर उसी साल में लिखी छल, पहला उपन्यास आया मेरा, और उनको समर्पित किया। ये 16 में आ गया, अब वो साहित्य में फिर से सर्कल मेरा पूरा होने लगा, तो इतना आनंद आने लगा मुझको कि मैं एक नॉवेल 10 साल से सोच रही थी, नहीं लिख पा रही थी कि मैं किस पृष्ठभूमि में क्या रखूँ। फाइनली वो फिर मंगला से शयन तक, अभी मेरा, मैंने जनवरी में उसकी लॉन्चिंग हुई है जी। और एक नाटक, फिर मैंने कहा कि और क्या नहीं लिखा, रेडियो बहुत लिखा, फिल्में बहुत लिखी, साहित्य भी लिखा, क्या नहीं लिखा। मैंने कहा रंगमंच बहुत किया पर मौलिक नाटक नहीं लिखा जी, तो जी। वो भी लिख डाला, बायोस्कोप वाला चोर जी, अभी लिखा था जी, जी। और अब मैंने फिर, अब खाली बैठ नहीं सकती जी। फिल्म में अब जैसे पापा ने फिल्में बनाई, उस दौर की फिल्में, उसमें एक कुछ सोशल मैसेज भी होते थे, समाज की बात, घर की बात, कोई नहीं बना रहा वैसी फिल्में, तो मुझे लगता मैं क्या लिखूं। तो ठीक है, मैं खाली नहीं बैठ सकती, तो अभी एक वसंत पंचमी के दिन फिर एक नया उपन्यास शुरू किया जी, जी, जी। दे जी। बोल होगा लेकिन जी। ईश्वर मेहरबानी करेंगे जी। जी, जी। तो ये क्या आता है, अनवरत लिखती रहती हूँ, और बस आप जैसे लोग आ जाते हैं बातचीत करने, और यहाँ इस बार आ गई, अच्छा लगा। आप कल देखिए क्या, नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया, नहीं नहीं बहुत ही अच्छा, या मेरे साथ में, मैंने इन लोगों की जगह आना था, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप मुझे जो बुला रहे हैं, जब कि FM वगैरह में भी जाती हूँ तो वहाँ दिक्कत यही आती है कि क्या बात करोगे, मुझे बताओ, फिल्म पर लेना है, पूरा फिल्म पर बोलती चली जाऊँ, पिता पर बोलना है कि साहित्य पर जी, बोलना है जी, कि रेडियो पर, आकाशवाणी, तीनों लेखन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात। और मुझे बड़ा, अभी भी मैं जब मैंने एक बाबूजी का उपन्यास, एक तो बाबूजी का उपन्यास बड़ा कठिन उपन्यास के, उसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिल चुका था जी, जी। तो उसमें किसी को 26 एपिसोड आकाशवाणी, वो 26 एपिसोड लिखना आकाशवाणी के लिए कि उपन्यास भी खराब ना हो जी, जी। और मेरे पिता का उपन्यास खराब हो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं कहा अच्छा लिखता हूँ धीरे धीरे, अपना काम भी कर देती डेली सोप भी, पर लिखे मैंने बिकॉज टेक्निक मुझको मालूम है उसकी। तो ये एक सौभाग्य है कि मैंने अलग अलग माध्यमों के लिए लिखा, और मैं अभी भी इतनी इस उम्र में भी इस बात के लिए आतुर रहती हूँ कि कोई नया माध्यम भी और आया तो फिर मैं सीखूँ उसको, सीखना और करना, ये तो अनवरत चलते रहना चाहिए जी, जी।
आज भी काफ़ी महिलाओं ने बात में ये कहा कि भाई लेखन लेखन होता है, महिलाएं बहुत लिख रही हैं। तो ये बहुत मैं जैसे नाम लिए सभी साहित्यकारों के साथ उठने बैठने का आशीर्वाद लाड़ प्यार पाने का मौका मिला, पर महादेवी बुआ जी से को रूबरू में नहीं मिली थी जी। तो एक बार जब मथुरा से वहीं लखनऊ में थी तो आने वाली थी, कोई प्रगतिशील महिला लेखिका संघ उन्हें बुलाया था परिचर्चा के लिए जी। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट कर पाऊँ जी, ने उनकी आदत थी, हम इतने बड़े बड़े हो गए थे फिर भी कहते उनके चरण स्पर्श करना, बुआ जी कहना, ये कहना कह जी। उनकी एक बात बताऊँ, उनको देखा वो बड़ी भारी आवाज़ थी जैसे पुरुषों जैसा सर था उनका, और फिर जब वो मंच पर कुछ परिचर्चा का विषय था महिला लेखिकाओं की समस्याएं, तो पहले तो उन्होंने पूछा क्या नाम है इसका संघ, महिला लेखिका संघ, तो हंसी वो तो कहने लगी कि मैंने तो बड़े वो मिठाई वाला हलवाई संघ, ये संघ वो संघ, ये महिला संघ लिखने की आवश्यकता पड़ गई, लेखन तो लेखन होता है। बोले कि मेरे हाथ में अगर कोई चीज़ आती है तो मुझे अगर अच्छी लगती है फिर मैं नाम देखती हूँ कि कौन है, तब पता लगता है स्त्री, मैं तो नहीं नाम देती स्त्री पुरुष, तो ये हिस्से बांट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब आपने प्रश्न किया तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी स्पष्ट कहूँगी मैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं मुझे तो अटकता है जी। कुछ बातें मैं जैसे ऑफिस की बिजनेस वगैरह कभी डायलॉग्स वगैरह आते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं उस वातावरण में रही नहीं हूँ कि किस तरह बिजनेस की बातें होती हैं, कैसे बिजनेस में बातें करते हैं या ऑफिस में किस तरह का, वो नहीं है तो उसके लिए देखना पड़ता है, सहारा किसी का लेना पड़ता है। ऐसे ही मुझे लगता है जो पुरुषों को इतनी बारीक बातें, जो मैं बता रही हूँ आज ही मैं कोई आए थे उनसे कह रही थी मैं कि ये जो सरोगेसी आजकल, मैंने कहा कपल्स जो हैं 30-35 और लेट थोड़ा, लेकिन वो कहते हैं हम बेबी नहीं करेंगे, हम प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या आपकी शादी करने का, 40वां कर लो 35वां कर लो, अब आपने जो जीवन जिया अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो फ़ायदा क्या, तो या एडॉप्ट कर लो कोई बेबी छोटा सा इन्फेंट चाइल्ड एडॉप्ट कर लो, वो पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आएगी कैसे आपके माता पिता ने आपको पाला पोसा। वो आता है तो एक स्त्री और उससे थोड़ा कम पिता में भी आता है, स्त्री में बहुत अधिक आता है। वो मैंने कहा कि ये जो सरोगेसी से नाम नहीं लूँगी, बड़ी बड़ी हमारी फिल्मी प्रतिभाएँ हैं वो, तो मैंने कहा जैसे कोई रेडीमेड बच्चे मिल जाते हैं लोगों को तैयार और पैसा बहुत रेडीमेड चार पालने वाले भी मिल जाएंगे, तो वो जो तकलीफ है कि रात रात भर हम जाग रहे हैं और बच्चों के लिए लोग को गोद में लेके भाग रहे हैं कुछ हो गया, बहुत फर्क होता है। एक माँ बन गया तो मैं स्त्री लेखन में कहीं ना कहीं मैं तो बहुत भावुक हूँ इस मामले में, बहुत संवेदनशील हूँ, बच्चा कहीं भी कोई रो रहा होगा या कोई भी तो मुझे आप मुझे और हैं बिल्कुल है, मेरे मुझे कम से कम सैकड़ों बच्चे अम्मा माँ के मेरे बच्चों के सारे दोस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि माँ के अलावा माँ एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत आदर है इसमें हमारे देश में, तो बहुत आदर है इसका, अच्छा लगता है। तो मैं मुझे ये लगता है कि वो जो संवेदनाएँ हैं जो माँ के पास स्त्री के पास होती हैं वो कहीं उसके लेखन को और सजा देती हैं, भावुकी कर देती हैं। अब लेकिन तो ये मैं नहीं मानती कि कोई अलग से, अब आप लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बल्कि आज मेरे पास फोन बैठी थी तो याद नहीं है, मैं ये कह रही थी आप लोग इन कार्यक्रमों में आमंत्रित पुरुषों को भी खूब कीजिए जी, जी, जी। मिक्स करिए, अभी क्या होता है कि एकांगी बातें अच्छी नहीं होती जी, जी, तो देखिए ऑफिस जो लड़कियाँ आज ज़्यादातर आई थिंक 40% तो काम कर ही रही होंगी, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ काम करती हैं, बिल्कुल तो सवाल मुझे तो नहीं लगता उनके दैनिक जीवन में कहीं कोई दोस्त फ्रेंड्स कहते हैं वो लोग, कोई फ्रेंड से ज़्यादा हो जाते हैं वो सब अलग बात है, तो फिर अलग लेखन की बात क्यों जी, मुझे नहीं लगा कोई बहुत खास बात नहीं लगी। तो उसमें एक बात और लगी आज मुझे जो मैंने पॉइंट आउट की, कुछ लघु कथाओं में जो पढ़ रही थी वो
मुझे ये लगा अगर आप लेखन अगर मेरे हाथ में है तो मैं इसलिए थोड़े मैंने लिखती हूँ कि मैं पुरुषों को गालियाँ दूँ या पुरुषों को नीचा दिखाऊँ या मजाक उड़ाऊँ या अभी तक जो कष्ट मिले हैं स्त्री को उसका दुखड़ा रोए, ये तो मैं नहीं। साहित्य, कला, संगीत, ये सब जो उपलब्ध बड़े ये ऐसे दैविक गुण हैं, अगर मिलते हैं इनका पूरा, इससे तो हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम ही होना चाहिए। जो कहो, अच्छा बोलो, सुनने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। मेरा तो यही स्कूल है, कम से कम मेरा जी। अब मैं नहीं है कुछ आजकल ये बराबर की से गाली गलौज का चलन है, मैं तो नहीं लिखूंगी जी। मैं नहीं लिखूंगी, एक आध कोई छोटी मोटी जो यार बोल दिया कभी ये साला वो एक आध जो, लेकिन वो जो गालियाँ होती हैं मैं कभी नहीं दे सकती जी। जो अपने विशेषणों के साथ होती है, असभ्यता है वो, शिष्ट साहित्य में नहीं होना चाहिए। तो इसी बात में सबसे पहले आप जरूर मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि मैं अपने आप को हमेशा लेखिका कहलवाना चाहती हूँ। साहित्यकार एक बहुत बड़ी चीज है, मेरे पिता साहित्यकार थे जी, जी, जी। जो शुरू से अब ये आज ये सुधा आई हैं या ये जो आपकी उषा किरण जी हैं, ये लोग निरंतर इन लोगों से साहित्य से जुड़े रहे जी। साहित्य से लेकर और अभी तक साहित्य से जुड़े, पढ़ना लिखना। मैं जो हूँ मैंने आपको जैसा बताया विविध माध्यमों से, और ये नहीं कि दो चार लिखो जम के लिखा है तो मैं लिखता हूँ और बड़ी खुश होती हूँ ये सुनकर जी जी। तो और कोई नई चीज़ आए तो बताइएगा, बस उसके लिए भी लिखना चाहूँगी। जरूर, धन्यवाद जी जी। बहुत 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 मेरा सौभाग्य है कि मैं इंदौर आई। मध्य प्रदेश मुझे हमेशा इसलिए अच्छा लगता है, एक तो यहाँ के लोग बहुत ही मीठे या तो मीठा खाते हैं इसलिए मीठे हैं, बहुत मिठास भरे हुए हैं, हिंदी साहित्य के प्रति बहुत उनको लगाव है और जल्दी करीब आ जाते हैं। आपको मेरे बहुत बहुत साधुवाद और ghamasan.com के लिए मेरी पूरी आशीर्वाद। आप लोग के भले फूले और अच्छे काम करिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।